Hey friends, welcome back to my channel. आज हम The Flowers of War इस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 7.6। तो देखते हैं फिल्म की कहानी क्या है। साल है 1937 का और जगह है चाइना का नैनकिंग शहर, जो कि उस समय में चाइना की राजधानी हुआ करती थी। और इस समय में वॉर शुरू हो चुका है चाइना और जापान के बीच में, और इस वॉर के शुरुआती बहुत ही कम समय में नैनकिंग पे जापान ने अपना कब्जा बना लिया है। और फिल्म के पहले ही सीन में हम देखते हैं कि कुछ चाइनीज स्टूडेंट्स लड़कियां भाग रही है, और इस शहर में अभी भी मतलब जापान ने अपना कब्जा करने के बावजूद भी कत्लेआम जारी है। और इन लड़कियों के साथ एक लड़का भी है, उसका नाम जॉर्ज है। ये सभी लड़कियां स्टूडेंट्स हैं और जॉर्ज इन लड़कियों को गाइड कर रहा है। उसी वॉर जोन में हम एक आदमी को भी देखते हैं जिसका नाम जॉन है। वो एक अमेरिकन है। जॉन एक फ्यूनरल डायरेक्टर है। पास वाले चर्च में फादर की मौत हो चुकी है और जॉन उसी तरफ उन फादर को दफनाने के लिए जा रहा है। जाते समय वो देखता है कि हर तरफ लाशें बिछी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि दो स्टूडेंट लड़कियां जापानीज के डर से एक खाली वाटर टैंक में छुप जाती हैं। जॉन भागते हुए उसी जगह पे आता है जहां पर वो लड़कियां छुपी हुई है। एक जापानीज सोल्जर जॉन को देख लेता है और उस पे वो गन पॉइंट कर देता है। जॉन उस टैंक में देखता है तो वहां पर दो लड़कियां थी। जॉन उस सोल्जर को बताता है कि वो चर्च का फादर है, पर वो जापानीज सोल्जर उसकी बात नहीं सुनता। तभी वो सोल्जर के पीछे की दीवार गिर जाती है और जॉन उस वाटर टैंक में घुस जाता है। जॉन उन दोनों लड़कियों को बात करने की कोशिश करता है। वो दोनों लड़कियों को बताता है कि वो विंचेस्टर डल जा रहा है। तुम्हें पता है कि वो जगह कहाँ पर है? वो दोनों लड़कियाँ काफी डरी हुई थी, इसीलिए जॉन से बात नहीं कर रही थी। लेकिन फिर जॉन वहाँ से जाने लगता है और तभी उन दोनों में से एक लड़की इंग्लिश में बात करती है और जॉन को रोकती है। वो उसे बताते हैं कि वो लड़कियां भी विंचेस्टर ही जा रही हैं, और जॉन उन्हें बताता है कि मैं वहां के फादर को दफनाने के लिए उस चर्च में जा रहा हूं। तो वो लड़कियां कहती है कि हम भी उसी चर्च में जा रहे हैं। और उसके अगले सीन में हम कुछ चाइनीज सोल्जर्स को देखते हैं। कुछ लड़कियां वहां पर भाग रही हैं और उनके पीछे जापानीज सोल्जर है। वो चाइनीज सोल्जर एक एक करके उन जापानीज को शूट कर देते हैं और सभी लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। फिर जापानीज टैंक्स लेकर आते हैं और सभी चाइनीज सोल्जर्स को मार देते हैं, और फिर सभी लड़कियां चर्च में भागकर चली आती हैं। ये वही चर्च था जिसकी बात जॉन उन दो लड़कियों से कर रहा था। फिर उसके बाद हम एक चाइनीज सोल्जर को देखते हैं जिसका नाम ली है। जापानीज के हमले के बाद ली भागकर यहाँ पर आता है और चर्च के सामने वाली इमारत में छुप जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जॉन भी उन दो लड़कियों के साथ चर्च में आ जाता है। वहाँ पर जॉन जॉर्ज से मिलता है। जॉर्ज फादर के साथ ही उसी चर्च में रहता था, इसीलिए उसे इंग्लिश भी आती थी। जॉर्ज जॉन को बताता है कि वहाँ पर जापानीज बॉम्ब गिरा था और इसी की वजह से फादर की मौत हो गई थी, लेकिन अभी हमने उनको दफना दिया है। लेकिन जॉन कहता है कि मैं यहाँ पर फादर को दफनाने के लिए आया था और उनकी बॉडी तो अब यहाँ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पैसे चार्ज करूँगा और उसकी फीस देने के लिए कहता है। पर जॉर्ज कहता है कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। जॉन चर्च के भीतर जाने लगता है और जॉर्ज उसे बाहर खड़ी हुई ट्रक दिखाता है और कहता है कि क्या तुम इस ट्रक को ठीक कर सकते हो ताकि हम सभी नैनकिंग छोड़कर जा सके। तब जॉन कहता है कि अगर तुमने मेरी फीस नहीं दी तो मैं इस ट्रक के पार्ट्स बेचकर अपनी फीस वसूल कर लूंगा। और फिर दोनों भी चर्च के अंदर चले जाते हैं। सभी लड़कियां रो रही थी क्योंकि सभी लड़कियों ने अपने परिवारों को खो दिया था। जॉन एक लड़की के पास जाता है जिसका नाम शू है। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन शू वहां से चली जाती है। दरअसल वो बहुत दुखी है। उसके बाद जॉन जॉर्ज के साथ ऊपर कमरे में चला जाता है और बताता है कि आज रात मैं यहीं पर रुकूंगा। यहां पर एक फादर की तस्वीर लगी हुई थी। जॉन उस तस्वीर को उल्टा करके रख देता है। तब जॉर्ज उससे कहता है कि कल तुम ट्रक ठीक कर दोगे और हमारी यहां से निकलने में मदद करोगे, और इतना कहकर वो बाहर चला जाता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि चर्च के बाहर कुछ लड़कियां आई हुई है और अंदर आने के लिए दरवाजा ठोक रही है। ये सभी लड़कियां प्रोस्टिट्यूट्स हैं, लेकिन जॉर्ज उन्हें कहता है कि तुम सब यहां पर नहीं रुक सकते। लेकिन वो सभी लड़कियां गेट के ऊपर चढ़कर अंदर दाखिल हो जाती हैं। फिर हम चाइनीज सोल्जर ली को देखते हैं जो अपने घायल भाई के पास बैठा हुआ है। जो यहां पर प्रोस्टिट्यूट लड़कियों का एक ग्रुप आया था, उनकी लीडर का नाम है यूमो। यूमो जॉन के कमरे में आती है और जॉन से कहती है कि उसे और उसके पूरे ग्रुप को नैनकिंग से बाहर निकलने में उसकी मदद करे।
क्योंकि जॉन एक अमेरिकन है तो उस पे कोई भी शक नहीं करेगा, लेकिन जॉन उसकी बात का मजाक उड़ा लेता है। फिर युमो कहती है कि तुम्हें इस बात पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए और वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ली अपने घायल भाई को चर्च के अंदर लेकर आता है। वो उसे लेकर बेसमेंट में चला जाता है और बेसमेंट में ही वो सभी लड़कियाँ थी। और यहाँ पर जो प्रोस्टिट्यूट लड़कियों का ग्रुप छुपने के लिए आया था, वो सभी लड़कियाँ भी बेसमेंट में ही छुपी हुई थी। वो सभी लड़कियाँ उसे देख कर कहती है कि ये एक कायर है, इसीलिए जापानीज से डर कर यहाँ पर छुप रहा है। मेजर ली बताते हैं कि ये घायल है और वो कभी भी मर सकता है। मैं बस इसे एक सेफ जगह पर लेकर जाना चाहता था और मुझे चर्च से बेहतर सेफ जगह कोई और नहीं मिली। और इतना कहकर ली वहाँ से जाने लगता है। और जाते जाते ली देखता है कि सभी स्टूडेंट्स प्रे कर रही है। ये देखकर ली बहुत इमोशनल हो जाता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते वक्त ली को युमो रोक लेती है और जो भी लड़कियों ने कहा उसके लिए माफी मांगने लगती है। और उसके बाद ली वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि चर्च में जापानीज सोल्जर आ जाते हैं। सभी लड़कियां बेसमेंट में जाकर छुप जाती हैं और शू भी अपनी सभी स्टूडेंट्स लड़कियों को लेकर बेसमेंट की तरफ भागने लगती है। लेकिन तभी वो लड़कियां बेसमेंट का दरवाजा बंद कर लेती हैं और उन्हें जापानीज सोल्जर भी देख लेते हैं। और शू बाकी सभी के साथ सीढ़ियों पर चली आती है और जॉन भी खुद को एक कबर्ड में बंद कर लेता है। लेकिन जॉन बाहर से लड़कियों की चीखें सुनता है और वो उन्हें बचाने के लिए बाहर आ जाता है। वो जापानीज सोल्जर पे चिल्लाता है, उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। सभी लड़कियाँ जॉन के पीछे छुप जाती है लेकिन वो सोल्जर्स भी नहीं सुनते। उन लड़कियों के कपड़े फाड़ने लगते हैं, उन्हें घसीटने लगते हैं। जॉन उस लड़की को बचाने जाता है लेकिन वो सोल्जर्स जॉन को मारकर नीचे गिरा देते हैं। और फिर दो सोल्जर्स एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी वो लड़की फिसल कर ऊपर से नीचे गिर जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जॉन ये सब कुछ देख रहा था। फिर दो सोल्जर्स शू के पीछे भागते हैं और उसको भी पकड़ लेते हैं। तभी बाहर से ली फायर कर देता है और खिड़की से गोली आकर सीधे निशाने पर लग जाती है और दो जापानीज सोल्जर मारे जाते हैं। और तब सभी जापानीज सोल्जर को पता लगता है कि यहाँ पर चाइनीज सोल्जर है और उन्हें ढूंढने के लिए वो तुरंत बाहर की तरफ भागने लगते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि जॉन उस लड़की की लाश को देखकर बहुत इमोशनल होता है और रोने लग जाता है। जापानीज को ली जिस बिल्डिंग में है उस बिल्डिंग का पता लगता है और जापानीज भी उसे ढूंढने के लिए उस बिल्डिंग में जाते हैं। लेकिन तभी ली उस बिल्डिंग को ग्रेनेड से उड़ा देता है और जापानीज के साथ साथ वो खुद भी शहीद हो जाता है। और शू ये सब कुछ विंडो से देख रही थी। ली को इस तरह से मरता हुआ देखकर शू को बहुत बुरा लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद चर्च में जापानीज आर्मी आ जाती है। उनमें से एक उनका सुपीरियर कमांडर होता है। उन सबको देखकर सारी लड़कियां जॉन के पीछे छुप जाती हैं। तब जापानीज कमांडर कहता है कि मेरे सोल्जर्स ने इन लड़कियों के साथ जो भी किया है मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और इस चर्च की और इन लड़कियों की सेफ्टी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। लेकिन जॉन उसे कहता है कि मुझे तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तब जापानीज कमांडर चर्च के बाहर अपने सोल्जर्स तैनात कर देता है चर्च की सेफ्टी के लिए। और उसके बाद जापानीज कमांडर पियानो प्ले करने लगता है और बताता है कि दुनिया का ये सबसे खूबसूरत जापानीज सॉन्ग है। फिर वो अपनी आर्मी लेकर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद जॉन उन दोनों लड़कियों को चर्च के बाहर दफना देता है जिन्हें जापानीज ने मारा था। इन सभी स्टूडेंट लड़कियों के लिए जॉन एक आखिरी उम्मीद था और जॉन भी ये बात जानता था कि उन लड़कियों को बचाने के लिए उसे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और उसके बाद वो सभी लड़कियां जो बेसमेंट में छुपी थी वो सभी स्टूडेंट से माफी मांगने लगती हैं, क्योंकि अगर उन्होंने बेसमेंट का दरवाजा बंद नहीं किया होता तो ये दो लड़कियां आज जिंदा होती। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन बैठा हुआ है, थोड़ा सा परेशान है और वहाँ पर जॉर्ज आता है और वो जॉर्ज से कहता है कि मैं कोई प्रिस्ट नहीं हूँ, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तब जॉर्ज कहता है कि तुम अगर खुद को प्रिस्ट नहीं समझते तो ये बात तुम खुद जाकर सभी स्टूडेंट्स को बताओ। उसके बाद जॉन के कमरे में युमो आ जाती है। वो जॉन की तारीफ करती है और बताती है कि आज तुमने जो स्टूडेंट्स के लिए किया उसकी वजह से वो उनकी नजर में हीरो बन चुका है। और युमो जॉन से कहती है कि जब तक जापानीज गार्ड यहाँ से चले नहीं जाते तब तक तुम इस चर्च में प्रिस्ट बनकर रहना। और फिर अगले दिन जॉन चुपके से ट्रक ठीक करने की कोशिश करने लगता है ताकि वो इन सभी को यहाँ से निकाल पाए। तभी जॉन देखता है कि एक आदमी चर्च के अंदर आ रहा है। दरअसल वो शू का पिता है और वो शू से बात करता है।
लेकिन शू उससे नफरत करती है क्योंकि वो जापानीज के लिए काम करता है। पर वो शू से कहता है कि मैं बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ से निकालूंगा, और वो शू को बताता है कि अगर मैं जापानीज के लिए काम नहीं करता तो जापानीज मुझे भी बाकी लोगों की तरह मार देते, तो इसीलिए मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। लेकिन शू वहाँ से चली जाती है, लेकिन बाकी सभी स्टूडेंट लड़कियाँ शू से नफरत करने लगती है क्योंकि उसके पिता जापानीज के लिए काम कर रहे है और यहाँ से सिर्फ शू को निकालने की बात कर रहे थे। शू को उसकी सहेलियों की ये सब बातें सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, वो बहुत इमोशनल हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर शू का फादर बाहर आता है और जॉन उससे मिलता है। जॉन उससे मदद मांगता है। जॉन उसे ट्रक के कुछ टूल्स लाने के लिए कहता है जिससे वो ट्रक को ठीक कर सके और सभी लड़कियों को नैनकिंग से बाहर ले जा सके। जॉन उसकी जेब में टूल्स की लिस्ट डाल देता है। शू का पिता बहुत डर जाता है और वहाँ से जाने लगता है। ये उसके लिए बहुत बड़ा टास्क था। जॉन उससे कहता है कि अगर ये ट्रक स्टार्ट हो गया तो मुझे नैनकिंग बॉर्डर क्रॉस करने के लिए परमिट की भी जरूरत होगी। शू का पिता कुछ भी कहे बिना वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उसी रात को ली के भाई की मृत्यु हो जाती है और फिर जॉन उसे चर्च के बाहर दफना देता है। और फिर यहाँ सबको पता चल जाता है कि जो प्रोस्टिट्यूट लड़कियों का ग्रुप था उनमें से दो लड़कियाँ गायब है। यूमो के पूछने पर एक लड़की बताती है कि वो दोनों अपनी कोई चीज लाने के लिए वहाँ पर गई है जहाँ पर इससे पहले वो लोग रहते थे। तब यूमो जॉन से कहती है कि वो जाके उन दोनों को चर्च लेकर आए। जॉन जॉर्ज को लेकर किसी तरीके से जापानीज सोल्जर को बहाना बनाता है और वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में जॉन का दोस्त टेरी मिलता है। जॉन उससे पूछता है कि क्या उसने उन दो लड़कियों को देखा है। वो बताता है कि मैंने किसी को नहीं देखा। जॉन उससे मदद मांगता है पर टेरी कहता है कि वो चाइना छोड़कर जा रहा है। रिवर पर बोट उसका इंतजार कर रही है। वो जॉन को भी साथ चलने के लिए कहता है लेकिन जॉन उसे मना कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो दो लड़कियां जो वापस अपने घर पर अपनी चीजें लेने के लिए गई थी उनमें से एक का नाम डू है और दूसरी का नाम लेन है। वो अपना सामान लेकर वहाँ से निकल ही रही थी कि तभी वहाँ पर जापानीज सोल्जर आ जाते हैं और भागते वक्त लेन को गोली लग जाती है और उसकी डेथ वहीं पर हो जाती है। डू अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। जापानीज सोल्जर उसे पानी से निकाल लेते हैं और बारी बारी सभी लोग उसका रेप कर लेते हैं। डू एक सोल्जर के कान पर काट लेती है और वो सोल्जर अपनी राइफल के आगे लगा हुआ चाकू उसके सीने में घुसा देता है। डू वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जॉन और जॉर्ज पहुँच जाते हैं। ये सब नज़ारा देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता है, वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। और फिर जॉन वो दोनों जिस चीज को लेने के लिए आए थे वो चीज ले जाकर यूमो को दे देते हैं और ये दुखद खबर भी उन्हें सुनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन बैठा हुआ है और तभी वहाँ पर शू का फादर आ जाता है। वो जॉन के बताए हुए सारे टूल्स छुपा कर ले आया था और वो जॉन को वहाँ से निकलने का परमिट भी दे देता है जो उसने बहुत वक्त से संभाल कर रखा था अपनी बेटी के लिए। जाते समय वो जॉन से कहता है कि अब उसकी बेटी शू को नैनकिंग से बाहर निकालने की जिम्मेदारी जॉन की है क्योंकि मरते वक्त उसने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वो शू का ख्याल रखेगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर दूसरे दिन चर्च में जापानीज सुप्रीम कमांडर आ जाता है। उसे चर्च की सभी स्टूडेंट लड़कियां गाना गाकर सुनाती है और वहां पर जब सभी स्टूडेंट्स गा रहे थे तभी वॉल के पीछे उन सभी प्रोस्टिट्यूट लड़कियों में से एक लड़की छुपी हुई थी। वो अपने कैट को पकड़ने के लिए आई थी, तभी जापानीज आए थे इसीलिए वो अपने बेसमेंट तक नहीं जा पाई थी। जापानीज को अभी तक नहीं पता है कि यहां पर 12 प्रोस्टिट्यूट लड़कियां भी रहती हैं। गाना खत्म होने के बाद उस लड़की के हाथ से वो बिल्ली छूट जाती है और तभी जापानीज कमांडर उस लड़की को देख लेता है। वो सभी उस लड़की को भी स्टूडेंट ही बता देते हैं। और फिर जापानीज कमांडर जॉन को एक पार्टी इनविटेशन देता है और कहता है कि वो सभी लड़कियों को उस पार्टी में गाना गाने के लिए लेकर आएगा। जॉन वहां पर मना कर देता है क्योंकि उसे पता है अगर ये लड़कियां उस पार्टी में गई तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो जॉन उसे कहता है कि ये लड़कियां कहीं नहीं जाएगी पर जापानीज कमांडर उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि कल एक ट्रक आ जाएगा और उसमें इन सभी 13 लड़कियों को पार्टी में आना है जिसमें एक वो प्रोस्टिट्यूट लड़की भी है। जाते समय जापानीज कमांडर चर्च के चारों तरफ सोल्जर्स का पहरा बढ़ा देता है ताकि कोई भी लड़की यहाँ से भागने ना पाए। यहाँ पर वो प्रोस्टिट्यूट लड़की उन सभी स्टूडेंट लड़कियों के साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि वो स्टूडेंट नहीं है।
और यहाँ पर सभी स्टूडेंट लड़कियाँ भी कल के बारे में सोचने लगती हैं। जॉन रात में अकेला बैठा हुआ है, उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि वो इन लड़कियों को कैसे बचाएगा। वहाँ यूमो आ जाती है, वो पूछती है कि उन लड़कियों को कैसे बचाओगे, पर जॉन को भी खुद नहीं पता कि वो कल क्या करने वाला है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सारी स्टूडेंट लड़कियाँ कल क्या होगा इसके डर से चर्च के टॉवर के ऊपर चढ़ती है और वहाँ से कूदने का फैसला करती है। तभी वहाँ पर यूमो और जॉन आ जाते हैं। वो उन्हें समझाने की कोशिश करने लगते हैं, रोकने की कोशिश करने लगते हैं। शू उनकी बातें नहीं सुनती। तब यूमो कहती है कि शू की जगह पर मैं उस पार्टी में कल चली जाऊंगी। और इस तरह से एक एक प्रोस्टिट्यूट लड़की उन लड़कियों के जगह जाने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर काफी समझाने के बाद स्टूडेंट्स उनकी बात मानती है और नीचे उतर आती है। और फिर रात को वो सभी प्रोस्टिट्यूट लड़कियां खुद को उन स्टूडेंट्स गर्ल की तरह प्रिपेयर करती हैं। और फिर यहाँ पर जॉन भी अपनी तैयारी करने लगता है, क्योंकि वो कल इन स्कूल गर्ल्स को ट्रक में छुपाकर नैनकिंग से बाहर निकालने वाला है। रात में यूमो जॉन के कमरे में आती है और बहुत सी बातें करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन सभी प्रोस्टिट्यूट लड़कियों के बाल स्ट्रेट करता है और स्टूडेंट लड़कियों की तरह उनके बाल बना देता है। फिर रात में जॉर्ज प्रोस्टिट्यूट्स काउंट करता है तो यूमा बताती है कि वो सिर्फ 12 है, अभी भी एक लड़की कम है। उस जापनीज ने 13 काउंट किया था और अब जॉन के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। जॉर्ज उस एक लड़की की जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जॉर्ज जॉन के पास जाता है और वो बताता है कि फादर ने आखिरी वक्त में उसे कहा था कि इन लड़कियों की देखभाल करना, और ये बताते वक्त जॉर्ज भावुक हो जाता है। जॉन को मेकअप करके उसे एक स्कूल गर्ल में बदलने के लिए कहता है, लेकिन जॉन ऐसा करने से मना करता है क्योंकि जॉर्ज भी उम्र में बहुत कम था उन स्कूल गर्ल्स की तरह, और उसके लड़के होने का अगर जापनीज को पता चल गया तो उसे वहीं पर वो लोग मार देंगे। तो इस तरह से उसे मौत के मुंह में वो कैसे जाने दे सकता था। पर जॉर्ज आखिरकार जॉन को कन्विंस कर ही लेता है, जॉन उसे एक लड़की की तरह बना देता है। जॉन उसके इस सैक्रिफाइस को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। और फिर सुबह जापनीज उन लड़कियों को लेने के लिए आ जाते हैं। यूमो जॉन को एक आखिरी बार देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। और फिर जापनीज सोल्जर उन सभी लड़कियों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जॉन चर्च में वापस आता है और सभी स्कूल गर्ल्स को ट्रक में छुपाता है और ऊपर वाइन के बॉक्सेस रख देता है, और फिर वो ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाता है। चेक पॉइंट पर जापनीज उसे रोक लेते हैं। जॉन उन्हें ट्रक से वाइन के कुछ बॉक्सेस निकाल कर देता है और वहाँ से ट्रक लेकर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जॉन चर्च में बिताए सभी पलों को याद करके बहुत भावुक हो जाता है। और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको इस फिल्म की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।